87% खर्च किया जाता है अपने बजट का फेसबुक द्वारा। जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, जो अंग्रेजी बोलने वाली ऑडियंस है, जो सिर्फ 9% है फेसबुक के उपभोक्ताओं का, 37 करोड़ में से सिर्फ 9% है जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी की पोस्ट पढ़ते और लिखते हैं। उन 9% पे आप 87% का खर्चा कर रहे। मैं भी अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं, मैं हिंदी में शुरू करता हूं। हम अलग अलग राज्यों में हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं वहां की भाषा अगर नहीं है तो हिंदी में बोले। व्हाट्सएप के जितने फॉरवर्ड्स हम सबके पास आते हैं, रीजनल भाषाओं में ज्यादा आते हैं और हिंदी में आते हैं। लेकिन फेसबुक की नीति देखिए, और ये मैं इसको नीति नहीं कहूंगा, ये एक चाल है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जो आंतरिक स्टडीज हैं फेसबुक की, उनकी अपनी, हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन ये तो उनकी अपनी रिसर्च है, उनका अपना अनुसंधान है, उनकी अपनी स्टडी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि फेसबुक आरएसएस, बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों का एक प्रॉक्सी एक तरह से बन गया। और जितने भी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ टारगेटेड पोस्ट होती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो टारगेटेड पोस्ट इस देश की किस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाती है, या वो किस विचारधारा से स्पॉन्सर होती है, ये मैं और आप सब जानते हैं, उसमें बोलने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आरएसएस और उसके संगठन, बाकी संगठन जो हैं, मित्र संगठन या उस छतरी के नीचे जो बाकी संगठन है, उन सब का एक प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है फेसबुक। और अब इस देश में यह कहने में मुझे या किसी और को, हम जो यहां बैठे हैं, कोई गुरेज नहीं होगा कि फेसबुक हिंदुस्तान में एक फेक बुक हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ फेक पोस्ट, फेक एजेंडा फर्दर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो बांटता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए।